नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकुड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से, खाल की तस्करी करने वाले टोली को नागपुर वन विभाग व गोंदिया वन विभाग ने किया गिरफ्तार। गोंदिया जिले में जंगल ज्यादा होने से बड़े पैमाने पर वन्य जीव रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से वन्य प्राणियों की हत्या होने के मामले हो रहे थे। ऐसे में गोंदिया जिले के सालेकसा में चीते की खाल व बाकी शरीर के अवयव की बिक्री होने वाली है, ऐसी गुप्त खबर वन विभाग को मिली। इस खबर के आधार पर वन अधिकारी दक्षता नागपुर व गोंदिया वन विभाग इन्होंने संयुक्त कार्यवाही कर जाल बिछाकर सालेकसा तहसील कार्यालय के मैदान में चीते के अवयव व खाल बेचने वालों को गिरफ्तार किया, जिनके पास चीते के पंजे, नाखून, दांत, मूछ और 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपियों को न्यायालय ने 3 दिनों की सजा सुनाई तो आगे की जांच वन क्षेत्राधिकारी सालेकसा कर रहे। गोंदिया स्थानिक पांगोली घाट पर भीमघाट अस्थि कलश पर विनम्र श्रद्धांजलि देकर डॉक्टर बाबा साहब के पुतले पर पुष्पहार अर्पण कर बुद्ध वंदना दी गई, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के विनोद हरिनखेड़े, नानू मुदलियार, विनीत सहारे, सतीश पारधी, जागतिक बौद्ध धर्म परिषद के एचआर लाडे, डॉक्टर मनोज रावत, एम ए नंदेश्वर, अनिरुद्ध मंडावे, संध्या गजबीए, वैशाली मेश्राम, हरिप्रकाश नंदेश्वर, वंचित अघाड़ी के सतीश बंसोड़, वामन मेश्राम, राजुलकर, एचडी महाजन, जीवन खोबरागड़े व अन्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पण की। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सतीश पारधी की रिपोर्ट। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिल्ली में महापरिनिर्वाण दिन, यानी दिल्ली में निधन हुआ, जिसे हम महापरिनिर्वाण दिन कहते हैं। इस अवसर पर हमारे जागतिक बौद्ध धम्म परिषद जिला गोंदिया की जानिब से हमारे सीनियर और महिला की जिला कोषाध्यक्ष आयुष्यमती नीलू जी महंती, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। जय।